गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 23 जून 2020 और टाइम है सुबह के 6 बज रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेली इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्विज के बारे में। टेक्निकल क्विज की यहाँ पर सीरीज चल रही है, जिसका जो ये वीडियो रहेगा वीडियो नंबर 9 रहेगा। ठीक है, हम बात करेंगे आज कंडक्टर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके पास में जो बेल आइकन का बटन दिया गया हो इसको ज़रूर प्रेस करें। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि इंसुलेटर किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। जो हम इंसुलेटर बनाते हैं वो इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होते हैं। ए माइका, बी पोर्सलिन, सी सिलिकन और डी जर्मेनियम। तो जो इंसुलेटर हैं वो इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होते हैं। इंसुलेटर पोर्सलिन के बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी पोर्सलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर दो आपको दिया गया है कि पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है। ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी पॉलीवल्केनिक क्लोराइड, सी प्लास्टर विनाइल क्लोराइड और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हमने कल भी इस क्वेश्चन की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर तीन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीन में आपको दिया गया है कि इंसुलेटर के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होगा। एक इंसुलेटर है मेरे पास, इंसुलेटर के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होगा। एनर्जी गैप की ये पर बात कर रहे हैं। ए कम होगा, बी बहुत कम होगा, सी अधिक होगा और डी बहुत अधिक होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, बहुत अधिक होगा। इंसुलेटर किसे कहते हैं कि जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित ना हो सके, वो इंसुलेटर कहलाता है। तो अब आपको याद रखना है कि इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप होता है वो एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसी के कारण इसमें विद्युत धारा को प्रवाह हो नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर। और क्वेश्चन नंबर फोर में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फोर बताया गया है कि अर्धचालकों के वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है। अभी इंसुलेटर की बात कर रहे थे, अब किसकी बात करें, सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में वर्जित एनर्जी गैप का मान कितना होता है। अर्धचालकों के लिए जो ऊर्जा अंतराल का मान होता है, ए 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट, बी 0.3 इलेक्ट्रोवोल्ट, सी 6 इलेक्ट्रोवोल्ट और डी 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। और क्वेश्चन नंबर फाइव आपको दिया गया है कि अर्धचालक पदार्थ बने होते हैं, जो सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं वो किसके बने होते हैं। ए जर्मेनियम, बी सिलिकन, सी बी और ए और बी दोनों और डी लोहा। तो जो सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं उसका जो राइट आंसर होगा वो जर्मेनियम और सिलिकन दोनों ही पदार्थों के बने होते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको दिया गया है कि निम्न में से किसके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है। अब आपको एनर्जी गैप का मान बता रखा है कि एनर्जी गैप का मान शून्य किस में होता है, जर्मेनियम में, सिलिकन में, लोहे में या फिर पोर्सलिन में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, किस में होता है, एनर्जी गैप का मान शून्य किस में होता है, लोहे में। जिसी के कारण लोहा क्या है, एक लोहा जो है एक चालक धातु है और इस चालक धातु होने के कारण इसका जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, जिससे कि इसमें अधिक से अधिक धारा प्रवाहित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, कि निम्न में से अर्धचालक है। अर्धचालक क्या है इनमें से, ए तांबा, बी जर्मेनियम, सी लोहा और डी उपरोक्त सभी। तो भाई तांबा क्या है, चालक पदार्थ है, लोहा भी क्या है, चालक पदार्थ है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो तांबा है वो सॉरी जर्मेनियम है वो सबसे अच्छा क्या होता है, निम्न में से अर्धचालक होता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। और क्वेश्चन नंबर एट में आपको दिया गया है कि निम्न में से अर्धचालक नहीं है। इसकी बात करें, सेमीकंडक्टर नहीं है, ए तांबा, बी सिलिकन, सी जर्मेनियम और डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या आएगा, भाई
तांबा है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिलिकन भी क्या है, एक अर्धचालक है, जर्मेनियम भी क्या है, अर्धचालक है, और ये सभी दोनों भी आ गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ए, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सिलिकन अर्धचालक के लिए विरोधी विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? एक मेरे पास सिलिकन सेमीकंडक्टर डायोड है, उसका विरोधी विद्युत वाहक बल कितना होता है? ए 0.3 वोल्ट, बी 0.7 वोल्ट, सी 1 वोल्ट और डी 0.2 वोल्ट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.7 वोल्ट है जो सिलिकन अर्धचालक के लिए विरोधी विभव का मान होता है। 0.7 ही जो है वो किसका है? अर्धचालक के लिए सिलिकन का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे को दिया गया है कि जर्मेनियम अर्धचालक के लिए विरोधी विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? भाई सेमीकंडक्टर को भी तो साथ लेना पड़ेगा ना, तो सेमीकंडक्टर क्या है? जर्मेनियम। जर्मेनियम अर्धचालक के लिए विरोधी विद्युत वाहक बल का मान होता है। यदि इसका जो राइट आंसर होगा ए 0.3 वोल्ट, बी 0.7 वोल्ट, सी 1 वोल्ट और डी 10.2 वोल्ट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मेनियम अर्धचालकों के लिए विरोधी विभव का मान 0.3 वोल्ट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे को बताया गया है कि यदि कार्बन को गर्म किया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई यदि कार्बन को गर्म करेंगे तो उसके प्रतिरोध पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर घट जाएगा। यदि कार्बन को गर्म किया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक चालक तार को गर्म किया जाए तो उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता की बात हो रही है, ए स्थिर रहेगी, बी बढ़ेगी, सी घटेगी और डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यदि एक चालक तार को गर्म किया जाएगा तो उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता उस पर क्या प्रभाव डालेगी? उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ाया जाए, यदि अर्धचालक पदार्थों का तापमान बढ़ाया जाए टेम्परेचर, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका प्रतिरोध ए स्थिर रहेगा, बी बढ़ेगा, सी घटेगा और डी ये ही रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो यही क्या होगा, जैसे जैसे अपन अर्धचालक का तापमान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसके प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक केबल की लंबाई को बढ़ाया जाए तो उसका अचालक प्रतिरोध का मान कितना होता है? ठीक है, आज इसी की तो बात कर रहे थे, अब हम जिस पर नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि यदि एक केबल की लंबाई को बढ़ाया जाए तो उसके चालक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, घट जाएगी, इसकी जो आंतरिक प्रतिरोधकता है ना वो घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हम इससे आगे का पार्ट करेंगे। तो दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।